तो अगर हम लोग बात करें फिर से सिलेंडर का, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो लोग वीडियो बंद जरूर देख लेना पहले, देख लो फिर से। सिलेंडर का तीन चीज ओबे करता है, कप सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन लोगों का ऐड कर। लेकिन कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में वन और टू, भैया जिन लोग वीडियो देख रहे हो उन लोग पार्ट वन पहले जरूर देख लो सिलेंडर का, किसी भी जगह पे मेंशन किया है, दो क्वेश्चन अभी तक बनाए कि वो टोटल सरफेस एरिया कि वॉल्यूम मांग रहा है, कहीं ने मेंशन किया ना, करेगा भी नहीं कहीं पे भी। तुमको खुद समझना पड़ेगा कि वो पूछ कर रहा है या फिर बताना क्या चाह रहा है, बोल बात समझा। तो देखो पढ़ के क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो हम लोग का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला 2πRh, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला 2πR प्लस 2πR स्क्वायर, अब वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हमेशा तो सॉरी फॉर्मूला हमेशा तोड़ तोड़ के बोल रहा है। एक तो सिलेंड्रिकल गैस जा रहा है, एक तो सिलेंड्रिकल गैस जा रहा है 2021 में क्वेश्चन आया था माध्यमिक में, इफ अ गैस जार, सिलेंड्रिकल गैस जार फॉर फ्यूल पर्पस, एक तो सिलेंड्रिकल गैस जा रहा है वो किस पर्पस के लिए, फ्यूल पर्पस के लिए, सीधा बैठो फ्यूल पर्पस के लिए, फ्यूल मतलब कोई ऐसा चीज जिससे भैया तुमको एनर्जी मिलता है, तो तुम्हारा घर में जो सिलेंडर है वो फ्यूल पर्पस के लिए है, जिसका लेंथ हम बोल दिए ना सिलेंडर, लेंथ जब भी बोलेगा लेंथ मतलब हाइट ही होता है, बस ऐसे करके रख देता है तो लोग लेंथ बोलता है, ऐसे रखता है तो हाइट, तो भैया कितना दिया है उसका लेंथ 7.5 डेसीमीटर, सही बात। और उसका जो लेंथ ऑफ द डायमीटर है, डायमीटर है कितना है 2.8 डेसी, तो ये भैया 10.2.8 तो डेसीमीटर उसका डायमीटर है ना, तो रेडियस भैया 4.8 1.4, कोई तकलीफ किसी को। और वो कितना गैस कैरी कर रहा है, वो 0.15, मतलब एक सिलेंडर मेरा घर में है इसका लेंथ 7.5 डेसीमीटर है, इसका रेडियस 1.5 डेसीमीटर है, और इसमें जो गैस भरा है ना उसका वजन, सॉरी उसका वजन 1.5 kg, इतना उसमें गैस भरा हुआ, इतना केजी का। तुम्हारा घर का भी गैस का सिलेंडर 14.2 केजी रहता है, जाके देख लेना, मेरा बात समझ में आया। तो मेरे से क्या पूछ रहा है लेटेस्ट, हाँ भारी इसलिए होता है क्योंकि उसका लोहा का जो सिलेंडर है ना उसका भी वजन होता है 14.2 केजी, उसमें खाली गैस होता है, और वो जो सिलेंडर है ना वो भी काफी भारी रहता है ना 15-20 केजी का, इसीलिए बहुत भारी लगता है ना, तो 14 केजी उतना नहीं होगा ना। तो बोल रहा है लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ, पर का मतलब वन होता है ना, वन क्यूबिक, मतलब आपसे वो कहा पूछ रहा पता है, एक क्यूबिक डेसीमीटर का, एक क्यूबिक डेसीमीटर का कितना वजन होगा, आ रहा क्वेश्चन के ऊपर चल गया, पूरा वजन वो हमको दे दिया है, एक क्यूबिक डेसीमीटर का कितना वजन होगा, कितना वजन। मेरा घर में एक तो सिलेंड्रिकल जार है, सही बात, उसका 20 लीटर उसमें पानी है, और 20 लीटर 20 केजी का बराबर नहीं होता, इतना जान लो, 20 लीटर 20 केजी का बराबर नहीं, कम या ज्यादा होता है। तो हम खाली समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरा घर में एक सिलेंड्रिकल जार है उसमें पानी कितना 20 लीटर है, तो 20 लीटर उसका वॉल्यूम है, और हम उसको जाके वजन करके देख रहे हैं ना, तो 40 केजी आ रहा है, आएगा नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं 20 लीटर, चल 20 लीटर हटा दिए, मेरा घर में एक तो सिलेंड्रिकल जार है उसमें पानी है 10 डेसीमीटर क्यूब, कितना है, और उसको ले जाके जब पल्ला में वजन कर रहे हैं ना तो उसका मास आ रहा है 40 केजी, क्या आ रहा है, तो मेरा घर में जो सिलेंड्रिकल जार है उसमें कितना गैस है वॉल्यूम वाइज 10, तो ये उसका वॉल्यूम होगा ना जो उसका, और उसको वजन कर रहे हैं तो कितना केजी का है, तो 10 डेसीमीटर क्यूब का वजन अगर 40 केजी होगा तो 1 डेसीमीटर क्यूब का कितना वजन होगा, 4 केजी होगा, 1 का कितना होगा, अबे 10 का 40 है तो 1 का 4, तो मेरा घर में कोई एक सिलेंड्रिकल जार है उसमें इतना गैस है, इसका क्या मतलब होता है वॉल्यूम ही ना, इसका क्या मतलब होगा, और ये उसका कितना का चीज है, तो तुम खुद से ही देखो, वेट को अगर वॉल्यूम से डिवाइड दे दोगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब का, 1 डेसीमीटर क्यूब का वजन आ जाएगा, वेट को टोटल वेट को
जितना उसका वॉल्यूम है उससे अगर हम डिवाइड, तो हमको एक के एक डेसीमीटर क्यूब का वजन नहीं आ जाएगा, आया कि पूरा ऊपर से चल गया, पक्का मुंह ने ना बनाएगी, समझ गई? तो क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है? मेरे को बोल रहा है एक तो सिलेंड्रिकल जार है जिसका, एक सिलेंड्रिकल जार है जिसका क्या चीज भैया, हाइट लेंथ 7.5, सही बात, डायमीटर 1.4, सॉरी रेडियस 1.4, और उसमें कितना गैस है, तो हमसे पूछ रहे एक डेसीमीटर क्यूब का, एक डेसीमीटर क्यूब का, तो हम क्या कर रहे हैं इसका वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं, अब फिर उसको क्या करेंगे ये वाला चीज से डिवाइड मार देंगे, आया कि बाउंसर चल गया। तो देख पहले वॉल्यूम निकालते हैं फिर और समझाएंगे एक बार, पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इतना तो क्लियर समझ में आ गया ये वाला चीज, देखिए कि गेम पूरा वॉल्यूम का चलने वाला है, गेम किसका होगा, देखो पहले वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं फिर हम तुमको समझाएंगे, फिर से समझाएंगे वॉल्यूम का होगा पाई स्क्वायर एच, पूरा यूनिट किसमें है, डेसीमीटर में, पूरा यूनिट, लो भैया पाई मैंने 22/7, आर हमेशा दो बार, 1.4 × और एच 7.5, दो गो तीन कट गया, अभी हम और उसको कुछ नहीं कर रहे, जैसे है वैसे लिख दे रहे, ये दोनों मिलके 44, ये है 14 और ये है 70, होल डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, इतना क्या डेसीमीटर क्यूब होगा, इतना क्या डेसीमीटर क्यूब होगा, मेरा बात समझा? अब हम इसको सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं, हम अपना मन में खाली मान ले रहे हैं कि ये पूरा, फिर से बात नहीं करो, बात नहीं करो, देखो ध्यान से देखो, तो वॉल्यूम हम इतना निकाले, ध्यान से देख मेरा भाई, हम मान ले रहे हैं ना ये पूरा चीज ना सपोज 500 आया है, सपोज मेरे को क्वेश्चन का दिया एक सिलेंड्रिकल जार है, इसका हाइट 7.5 डेसीमीटर है, इसका रेडियस 1.4 डेसीमीटर है, सही है, और इसका वजन कितना है, 15.01 केजी, सही है, तो मेरे को बोल रहा है ना कि एक डेसीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, हम मान ले इसका पूरा वॉल्यूम निकाले, हम इसका पूरा वॉल्यूम निकाले पूरा का, वो 500 डेसीमीटर क्यूब आया, कितना आया 500, और इसका पूरा मास 1000 केजी है, तो 500 डेसीमीटर क्यूब का वजन 1000 केजी अगर होगा तो एक डेसीमीटर क्यूब का कितना वजन होगा, 2 केजी, अरे 500 डेसीमीटर क्यूब पूरा इसका वॉल्यूम है, अब पूरा का मास 1000 केजी है, 500 डेसीमीटर क्यूब का 1000 केजी है, तो एक डेसीमीटर क्यूब का कितना होगा, 2, तो 500 डेसीमीटर क्यूब इसका क्या बता रहे हैं वॉल्यूम, और 1000 केजी इसका क्या बता रहे हैं, मतलब 1000 केजी जो इसका वेट है अगर उससे उसका वॉल्यूम को डिवाइड दे देंगे तो आपको एक डेसीमीटर क्यूब का, इसीलिए हम इसका कहा निकालने गए पता है, वॉल्यूम निकालने गए, कहा निकालने गए वॉल्यूम, थोड़ा सा काटा काटी खेल ले रहे हैं आप, देखो ध्यान से 25 से काट रहे हैं, 3 × 4 = 40 होगा पता है, ये 10 होगा कितना होगा, ये कितना होगा पता है, 11 कितना होगा, तो भैया ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 33 होगा, ये होगा बाई में, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे 33 × this तो ये होगा 2, 6, 4, 46, ये क्या चीज है बोल तो मेरा भाई, ये क्या चीज है बोल तो मेरा भाई, तो जो सिलेंड्रिकल जार का आपका बात चल रहा है, जो सिलेंड्रिकल जार का आपका बात, जो सिलेंड्रिकल जार का आपका बात, उसका वॉल्यूम है 46.2 डेसीमीटर, और उसका वजन है 15.01015। तो क्या यहां से हम ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, तुम खुद से ही देखो, तुम कि ध्यान से देखेगा 46.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सिलेंड्रिकल, पूरा नहीं लिख रहे सिलेंड्रिकल जार या फिर सिलेंड्रिकल गैस, इज इक्वल टू 15.015 केजी, हाँ या ना, हाँ सही बात, तो भैया एक डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा,
15 पॉइंट यूनिटरी मेथड बाय। अभी तुमको सबको समझ में आया वॉल्यूम क्यों निकालने का है? अभी क्लियर हुआ वॉल्यूम हम निकाले वो आया 46.2। वॉल्यूम का मतलब समझता है क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज जितना जगह, तो कितना जगह घेर के बैठा है? 46.2 डेसीमीटर। अब कितना वजन लेके बैठा है? 15.015 केजी। समझ रहा है? 15. कम से पूछ रहा है एक डेसीमीटर क्यूब का कितना होगा? तो भैया 46.2 डेसीमीटर क्यूब का इतना वजन है, तो एक का क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय। अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? और कौन आपको इंडिकेशन दे रहा था वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? जो मांग रहा था, कहाँ मांग रहा था? पर क्यूबिक। अब काटा काटी खेलते हैं, इसके लिए नीचे का होगा 1000, इसके लिए नीचे, इसके लिए ऊपर लिख दिए। क्या हम बोल सकते हैं आपका जो मास लिखा हुआ है वो पूरा केजी में आने वाला है? पूरा जो है वो किस में लिखा हुआ है? तो आपका आंसर भी जो आने वाला वो, आपका जो आंसर आने वाला वो भी, तो हमको देख के पता है ना, एक केजी इज इक्वल टू, एक केजी इज इक्वल टू, एक केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर मेरा पास 20 केजी होगा तो 20 × 1000 ग्राम, अगर मेरा पास 30 केजी होगा तो 30000 × 1000 ग्राम, अगर मेरा पास 5 केजी होगा तो 5 × 1000 ग्राम। तो केजी से ग्राम जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई लगता है ना, तो अगर हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा बात नहीं होगा, बोलेगा क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं मेरा आंसर जो है वो किस में चल जाए? ग्राम में। क्यों करना चाह रहे पता है? क्योंकि केजी से ग्राम जाने के लिए 1000 मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे ना 1000 लिखा हुआ कट जाएगा। मेरा बात समझ में आया? तुम नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देन तुम्हारा आंसर किस में आएगा? और अगर वो कर लेगा तो आंसर किस में चल जाएगा? मेरा बात समझ में आया? चलो नहीं करते हैं, दो लिख दिए, नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहने दे रहे। कितना दिया मेरा भाई? 4, 6, दो, इसको तीन से काट रहे हैं, कितना से? अरे भैया 6, 2, 8, 8, 4, 12, तीन से कटेगा, 1, 15 में 5, 4, 15 5 बार में जाएगा, 0 नहीं जाएगा, 0 लीजिए, फिर 1 लीजिए नहीं जाएगा, फिर 0 लीजिए, फिर 15, फिर 3 से काट रहे, कितना से कौन कटेगा? 3, अच्छा 3 से नहीं कटेगा ना, 7 से कटेगा सर, हाँ 7 से कटेगा, 7 से कितना बार में कटेगा बोल तो मेरा भाई? 2, 2, 7 से 49, 7 बार में जाएगा, 1 छोड़ के जाएगा तो 1 10 बन जाएगा, 1, 3, 11 से कटेगा किससे? तो बोलेगा आप कैसे बोले 11 से कटेगा? अरे नीचे 22 है ना, तो देख के लग रहा हो सकता है ये 11 से नहीं कटेगा, तो चेक कर लेंगे, 11 से अगर काटेंगे तो 66 6 बार में जाएगा, 5 छोड़ के जाएगा 55, हाँ कटेगा 2 बार में, तो ये कितना होगा? 6 बार में 5 देगा, 5 सही है। तो पता है क्या बचा ऊपर में भैया? 60, और नीचे पता क्या बचा? 2, अरे गो आया कि नहीं? तो 100 भैया जैसे उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, खाली 65 को 2 से डिवाइड मारिए तो 32.5 आएगा, कितना आएगा? बाई में 100 बोलता है कि हम 2 डेसिमल और शिफ्ट मरवाएंगे, क्या बोलता है ये? अरे भैया 100 एक का ऊपर 0 का करता है, डेसिमल शिफ्ट करवाता है ना, ये वो शिफ्ट होगा 2, तो आंसर पता क्या होगा? लेकिन पूरा आंसर क्यों केजी में आंसर होगा? क्योंकि आपका पूरा का पूरा काम, आपका पूरा का जो पूरा काम हुआ है वो किस में हुआ है? क्योंकि हम उसको ग्राम में कन्वर्ट, बोल आया मेरा बात समझ में? एंड आई नो बिकॉज हम जानते हैं ये आंसर जो है ना वो ग्राम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ग्राम। तो ग्राम में अगर ये आंसर होता, ग्राम में अगर ये आंसर तो केजी को ग्राम ले आने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टी, तो अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो पॉइंट हटाते तो नीचे 1000 आता, वो डेसिमल के लिए आता, और 1000 से मल्टीप्लाई अगर करते किस लिए? केजी से ग्राम में, आंसर 325 ग्राम होगा। आंसर आया कि ऊपर से किया? समझ में आया? और यही हम पहले से कर देना चाह रहे थे क्योंकि हमको पता था क्या कि आंसर जो, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी बोला 1 डेसीमीटर क्यूब का हमको वजन चाहिए, हाँ लेकिन वो बोला केजी में चाहिए कि ग्राम में, तो यही लिखो 0.325 क्या चीज? केजी। ग्राम में हम क्यों लिखेंगे? ग्राम में हम, हमको बोला है ग्राम में आंसर देने, वो हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमको पता है जो बुक का पीछे आंसर है वो ग्राम में, तुम मत करो, तुम यही लिखो 100% सही है। बोला अभी क्लियर है कि अभी ऊपर से चल गया पूरा पक्का? तो फिर से एक बार समझा रहे पूरा क्वेश्चन को, कैलकुलेशन हो चुका है कंप्लीट,
इफ अ सिलिंड्रिकल गैस जार, इफ अ सिलिंड्रिकल गैस जार फ्यूल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसका लेंथ है 7.5 डेसीमीटर और उसका रेडियस है 1.5 और उसका टोटल वजन कितना है 15.015 केजी, तो हमसे पूछ रहे एक डेसीमीटर क्यूब का, एक डेसीमीटर क्यूब का, तो हम कहा कि पूरा वॉल्यूम निकाल दिए, पूरा पूरा कितना आया 46.2 डेसीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम एंड वजन इज द, तो अगर 46.2 डेसीमीटर क्यूब का वजन इतना होगा तो एक का क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, काटा काटी खेले आंसर आ गया कितना आया पॉइंट, क्लियर है कि ऊपर चल गया पूरा बात, अब समझ में वॉल्यूम काहे के लिए निकाले, क्योंकि आपको उससे डिवाइड करना था, वॉल्यूम निकालना कौन बोल रहा था, ये वाला चीज एकदम चीख चीख के बोला था कि आपका जो काम होने वाला वो बोलो, क्लियर है, चलो पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेगा, तो हम समझाते हैं थोड़ा सा क्या बोला, ध्यान से देखेंगे, पहले एक चीज सोचना कि एक सिलिंड्रिकल जार है वो ना आधा ही भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, पहले अगर कोई सिलिंड्रिकल जार होगा और उसमें पानी भरे, तेल भरे, पेट्रोल भरे, सल्फ्यूरिक कुछ भी भरे, उसका मतलब क्या, सिलिंड्रिकल जार का वॉल्यूम सिलिंड्रिकल जार का, लेकिन वो पूरा नहीं भरा हुआ है, आधा ही भरा हुआ है, तो अगर मान लो पूरा सिलिंड्रिकल जार अगर पूरा का पूरा भरा होता, पूरा का पूरा, तो उसमें मान लो 50 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड रखता, अगर वो आधा ही भरा, आधा मतलब हाफ, तो एक्चुअली उसमें कितना 25 लीटर ही होगा ना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ध्यान से देखो पढ़ो समझो, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है भाई, ध्यान से एकदम देख लो, देख ले सिलिंड्रिकल देख के समझ में आई है ना कि भैया कैलकुलेशन बहुत बहुत तगड़ा है, बता दे रहे हैं, और ये तीनों का भी बाउंसर मार के ये उससे भी आगे चल गया, इसका भी कैलकुलेशन लिखेंगे, सब क्वेश्चन समझ जाएगा, सब पता है क्या करना है, सब कुछ कैलकुलेट नहीं करने आएगा, सॉल्व करके आंसर ही नहीं ला पाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैलकुलेशन भैया सीखना ही पड़ेगा, अभी हम तुमको करके दिखा दे, तुम देखो कितना कॉम्प्लेक्स डेटा है वो, तो हम लिखते हैं तो धीरे धीरे हो भी जाता है, तुम लिखेगा और गंदा लिखाएगा, आउट ऑफ 3 जार ऑफ इक्वल डायमीटर, 3 गो जार है जिसका डायमीटर इक्वल है, मतलब तीनों का जो डायमीटर है वो सेम है, तीनों का जो डायमीटर है वो सेम है, एंड हाइट भी सेम है, सही बात, तो देख क्या बोल रहा है, तीन तो सिलिंड्रिकल जार है और तीनों सिलिंड्रिकल जार का हाइट भी और डायमीटर भी तीनों सेम है, हाइट और डायमीटर अगर तीनों सेम होगा, इससे वो क्या बोलना चाह रहा होगा मेरा भाई, इससे वो बोलना नहीं चाह रहा है कि तीनों जो सिलेंडर है जार वाला तीनों सेम साइज का है, आगे पढ़ो क्या बोला, तो तीन ठो सिलेंड्रिकल जार है, 1, 2, 3, तीनों का हाइट और तीनों का डायमीटर सेम है, आगे क्या बोल रहा है, 2/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट, 2/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट, 6/5/6 पार्ट ऑफ द सेकेंड, एंड 7/9 ये 7/9 पार्ट ऑफ द थर्ड फिल्ड विथ, छोड़ दो मेरे को याद है इसका मतलब क्या है, इसे पढ़ने पड़ेगी तुमको भी याद हो जाएगा, तो एक भरा है 2/3, एक भरा है 5/6, एक भरा है मतलब पता है तीनों पूरा नहीं भरा है, तो अगर तू सोच के देख मेरा भाई फिर से, 2/3 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख, एक सिलिंड्रिकल जार है उसका टोटल वॉल्यूम 90 लीटर है, टोटल वॉल्यूम अगर पूरा भरा होता तो उसमें कितना अटता, वो 2/3 ही भरा हुआ है, तुम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब उसका 30 into 2, मतलब उसका क्षमता तो
90 लीटर का है, मतलब अगर पूरा भरा होता तो 90 लीटर होता, पूरा भरा होता तो, लेकिन वो भरा हुआ 2/3, मतलब पता है उसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड है, 60 लीटर, बोल क्लियर है। तो तीनों पूरा भरा हुआ नहीं है, सही बात। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 7 विद फिल्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड, होल ऑफ द एसिड इन द थ्री जार, तीनों में जितना टोटल एसिड है होल पूरा, पोर्ड इन टू, पोर्ड मतलब होता उझल देना, डाल देना, इन अ जार ऑफ 2.1 डेसीमीटर डायमीटर, मतलब ये तीनों को उठाएं और तीनों को एक जार में डाल दिए, आ रहा है क्या, तीनों को एक जार में डाल दिए, इसका भी सल्फ्यूरिक एसिड, इसका भी और इसका भी, और जिसमें उझल रहे हैं उसका डायमीटर कितना है 2.1, लेकिन डायमीटर है मेरा भाई तो रेडियस क्या होगा 2.1/2, अरे डायमीटर है ना जिसमें उझल रहा उसका, सही बात। एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइट ऑफ द एसिड इन द जार बिकम 4.1, मतलब जिसमें आप इसको उझल रहे हैं ना भैया, तीनों एसिड को बड़ा वाला जार में डालने के बाद तो क्या हो रहा है ना भैया, इसमें जो बड़ा वाला है उसमें एसिड का हाइट कितना हो जा रहा है 4.1 डेसी, मतलब 4.1 डेसीमीटर जो ऊपर वाला तीन दो सिलेंडर है ना उसका हाइट नहीं है, 4.1 डेसीमीटर जो नीचे वाला तीनों में डाल रहा है ना उसमें एसिड का हाइट है, और 2.1 नीचे वाला का डायमीटर है, तो 2.1/2 नीचे वाला का रेडियस है, नीचे अरे डायमीटर 2.1 है रे भाई, तो रेडियस का होगा उसका, क्योंकि मेरा काम तो पूरा रेडियस से ना होना है, बोल कोई दिक्कत है। तो ऊपर वाला का कितना इंफॉर्मेशन है, ऊपर वाला का बस इतना इंफॉर्मेशन है कि ऊपर वाला तीनों साइज में सेम है, क्यों साइज में सेम है, क्योंकि तीनों का रेडियस भी सेम है, तीनों का अबे तो रेडियस और हाइट अगर दोनों सेम होगा तो तीनों आइडेंटिकली ना होगा। और ऊपर वाला का इंफॉर्मेशन है, तीनों पूरा भरा हुआ नहीं है, तीनों एक भरा है 2/3, एक भरा 5/6, एक भरा है 7/9, कोई दिक्कत। और तीनों को उठा के बड़ा वाला जार में डाल दिए, तो बड़ा वाला जार में जो एसिड है उसका हाइट हो गया 4.1, और बड़ा वाला जार में जो रेडियस हो गया 2.1/2, कोई तकलीफ है किसी को, किसी को भी। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ईच ऑफ द थ्री इक्वल जार, जो ऊपर में जो तीन इक्वल जार है वो तीनों का डायमीटर कितना है, तो ये तीनों का रेडियस कितना हो जाएगा 1.4/2, ऐसे ही रहने दे रहे, बोलो कोई दिक्कत है। तो ऊपर वाला जो तीनों है ना, अरे एक का रेडियस दे दिया तो तीनों का दे दिया ना, क्योंकि तीनों सेम साइज का है, तो बोल रहा है क्या, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द, तो ये जो तीनों जार है ना इसका हमसे हाइट मांग रहा है, बोल पूरा क्लियर हुआ क्वेश्चन। पढ़ के ना अंग्रेजी है नहीं समझेगा, 20 बार इसी को पढ़ते रहेगा, अंग्रेजी समझने का आदत डालो ताकि एक बार में क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाए। जो तीन दो छोटा छोटा जार है, जो तीन दो छोटा छोटा जार है उसका डायमीटर तीनों का दे दिया है और उन तीनों का हाइट हमसे मांग रहा है, और तीनों का हाइट निकालने का, एक का निकालेंगे तो तीनों का निकालेंगे, क्योंकि तीनों का हाइट सेम है, जिसमें उझल रहा है पोर कर रहा है उसका हाइट और उसका रेडियस, उसका हाइट और उसका रेडियस तुमको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें पहले से छोटा छोटा वाला में एसिड है उसका रेडियस प्रोवाइड कर दिया, उसका हाइट हमसे निकालने को बोल। हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना कम से कम समझ में आ रहा है कि ये तीनों में मिला के जितना एज अ होल एसिड होगा इसमें अकेले उतना होगा, क्योंकि इसी तीनों को तो इसमें डाले। अरे भैया तीन को छोटा छोटा बोतल है, एक में 2 लीटर पानी, एक में 3, एक में 5 है, तीनों बड़ा वाला में डाल दिए तो बड़ा वाला में कितना पानी होगा अगर पहले से कुछ नहीं है, तो 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर 10 लीटर होगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आया कि ये तीनों का जितना वॉल्यूम का समेशन होगा इतना उसका वॉल्यूम अकेले होगा, हाँ या ना। दूसरा ये बात समझ में आया कि तीनों का वॉल्यूम पायर स्क्वायर एच नहीं होगा, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम पायर स्क्वायर एच तब होता जब वो पूरा लबा लब भरा होता, वो पूरा लबा लब भरा हुआ तो तीनों का पता वॉल्यूम का होगा, पायर स्क्वायर एच तो इसका होगा लेकिन इसके साथ 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका साथ आया कि पूरा बाउंसर गया, कुछ नहीं समझ में आया कि तीनों अगर इसका भैया वॉल्यूम कितना है, इसमें भैया तेल है, इसमें तेल कितना है, इसमें तेल है पाई आर स्क्वायर एच अगर पूरा भरा है तो, लेकिन अगर इसमें भैया 1/4 ही, 1/4 मतलब होता है अगर इसका 4 टुकड़ा करेंगे ना तो एक टुकड़ा भरा हुआ है ऊपर का 3 टुकड़ा खाली है, तो इसका वॉल्यूम पूरा सिलेंडर का अलग होगा और इसके अंदर जो तेल होगा उसका वॉल्यूम अलग होगा, नहीं समझा।
अगर ये पूरा भरा होगा तो जितना ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही इसका अंदर तेल का ही वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर बस ये इतना ही भरा है 1/4, तो इसका पूरा डब्बा का वॉल्यूम अलग होगा, इसका अंदर जो तेल होगा। क्लियर हुआ? तो भैया तेल का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इसका पूरा वॉल्यूम है और उसमें तेल कितना 1/4, तो क्या करो पाई आर स्क्वायर के साथ 1/4 मल्टी। बोलो पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं भैया, तीनों छोटा छोटा का वॉल्यूम निकालेंगे, हाँ या ना? पहला वाला में मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे उसका बाद वाला में, और फिर तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों का जो जोड़ के जितना वॉल्यूम होगा, समझ में आ रहा है, उतना अकेले इसका वॉल्यूम होगा। अकॉर्डिंग टू सम लिख के दोनों को इक्वल कर देंगे, अकॉर्डिंग टू सम लिख के एक बार पढ़, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो बोल जबरदस्ती, हाँ 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 भैया भैया हाँ, ये सब नहीं करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, पढ़ो क्वेश्चन जल्दी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा हमेशा डायग्राम बना के छोटा छोटा लिख लेगा, लिखते समय गलती नहीं होता है। सॉल्व मारे पक्का ना? तो देख सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखेगा, देखेगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जार है ना, पता है वॉल्यूम का होता है वो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखेगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जार, सही बात, तीनों में है का सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जार, नो वॉल्यूम ऑफ एसिड इन फर्स्ट जार, हमको समझाएगा कोई, हम ये वाला बात पूछेंगे। फर्स्ट जार 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, देख जार का वॉल्यूम अलग बात है, और जार में जितना एसिड है उसका वॉल्यूम, क्योंकि वो पूरा नहीं भरा है, अगर पूरा भरा होता तो जार का वॉल्यूम भी उतना ही होता और उसका अंदर जो एसिड होता है। अभी समझी पक्का? और हमको पता है ना भैया तीनों का रेडियस और हाइट सेम है, तो तीन बार काहे लिखे, एक के बाद लिख के जोड़ देते हैं। तो भैया देख लो वॉल्यूम ऑफ एसिड इन सेकेंड जार, देख लो वॉल्यूम ऑफ एसिड इन सेकेंड जार बोल रहे हैं, पता है क्या होगा ये 5/6 ऑफ पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन थर्ड जार, पता है क्या होगा? ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? क्योंकि जो तीनों छोटा वाला है ना भैया, ये तीनों का साइज सेम है, तीन बार क्यों लिखिएगा? अब देखो लिख रहे हैं टोटल वॉल्यूम, क्या लिख रहे हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन थ्री जार्स, तीनों को ऐड मार दें, तीनों को ऐड मार दें, तो तीनों को ऐड मारेगा तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन नहीं हो जाएगा तीनों में, तो अरे तीनों को ऐड मारेंगे तो ये तीनों में नहीं है, तो तीनों से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2/3 प्लस 5/6 7/9 पक्का? अब हमको भैया जो छोटा वाला बात नहीं करो बाबू, रेडियस हमको छोटा वाला का दिया 1.4/2, हमको छोटा वाला का पता, हाइट नहीं पता क्योंकि वही मांगा है। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, पाई को पाई रहने दिए, रेडियस को लिख दिया 1.4 बाई, हाइट जैसे है, आई तीनों भाई के एलसीएम लिए, 18 एलसीएम होगा, कितना होगा 18 से 8 कटेगा 6 कटेगा 6 12 तीन बार में पक्का, दो बार में ऊपर का जोड़ के देख डेटा कितना आता है, ऊपर का डेटा जोड़ के देखो कितना आता है, जोड़ लिया। तो यहां से यहां तक सेम कहानी जैसे था रहने दिए, ये वाला को हम लोग जोड़ चुके हैं, तो ये वाला जितना था ऐसे ही रहने दिए, ये यहां से यहां तक इसको हम जोड़ चुके हैं, ये आ गया 41। तो ये पता है कहां आ रहा है, तीनों जार में जितना सल्फ्यूरिक, तीनों को किस में उजले हैं, बड़ा वाला में, सही बात है, तो बड़ा वाला का देखते हैं कितना है, हमको थोड़ा जगह लगेगा, डायग्राम पार्ट को छोड़ यहां से लेके यहां तक खाली लिख ले जल्दी से देखिएगा मेरा भाई। तो ये पूरा जो चीज आया मेरा भाई, ये क्या आया पता, तीनों छोटे वाले में, तीनों छोटे वाले में कितना एसिड होगा, और तीनों को इसमें उझल दिया ना, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, देख कैसे वॉल्यूम ऑफ लिखा गया ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड
वॉल्यूम ऑफ एसिड इन बिग जार, बिग जार वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आप पता है बड़ा वाला में ना कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बड़ा वाला में नहीं बोला आधा भरा है, पूरा भरा है, टू थर्ड भरा हुआ, तो कुछ नहीं बोला। तो बड़ा वाला का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने दिए, बड़ा वाला का पता आर कितना है बाबू? 2.1 by 2 स्क्वायर के लिए दो बार। अब बड़ा वाला का हाइट कितना है? मेरा भाई बोल, ये क्या चीज है मेरा भाई? बड़ा वाला सिलेंडर में एसिड का वॉल्यूम, पूरा बात बोल। और ये पता क्या है? तीनों छोटे वाले में मिला के आया कि बाउंसर किया? तो भैया ई वाला ही को तो इसमें डाला है मेरे भाई। हाँ। तो ये दोनों सेम हुआ कि अलग हुआ? सेम। अभी क्लियर हुआ? हाँ। कि नहीं हुआ? हाँ। झूठ नहीं ना बोल रहा सबको? अब हम इसको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि भैया इसका सिंप्लीफाई अपने आप में बहुत तगड़ा अभी तुमको दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू सम ये दोनों सेम चीज है, तो ये दोनों इक्वल होगा। कैसे? पाई 1.4 by 2 हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी में कर देंगे। तुम सॉल्व करेगा तुमको भैया मेहनत लगेगा। 41 by यहां पर पाई 21 by 2 इंटू 4. अब देखो लोग पागल नहीं है कि कुछ भी देता। देखिए 41 इन्वॉल्व हुआ ना, देखिए हाइट वो 4.1 देखे था, वो जानबूझ के दिया कि कट जाए, है ना। तो पॉइंट हटाए 10 पॉइंट हटाए अरे 10 देंगे तो 20 बन जाएगा सब। पॉइंट हटाए, बोल क्लियर है? टक टक क्लियर है। उसके बाद दोनों 41 को काट दें। हाँ। सही है। हाँ। ज्यादा तकलीफ होगा, लाइन चेंज कर लेगा हमेशा। पाई से पाई 14 दो बार में, 14 दो और काटने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइन में करेंगे। तो यहाँ पे एक दो यहाँ पर पाई में इक्वल टू 9 बोल क्लियर है। हमेशा जब भी डेटा कॉम्प्लेक्स ज्यादा दिखे लाइन चेंज कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एच का वैल्यू निकालने के लिए ये 18 ऊपर चल जाएगा, नीचे में वो 10 है और ये भैया 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो काट लीजिए भैया फिर से। ये कटेगा कितने बार में? 9 2 और कटेगा 81 by 20। अब देख इतना करने के बाद भी सब क्या गलती करते हैं, जबकि भी ज्यादा गलती बता चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे थे। 4 बार में जाएगा 80, कितना बचेगा? सही है। पॉइंट देंगे, अभी भी नहीं जाएगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं? 0 डालते हैं ना। ये सब गलती नहीं करना, इतना मेहनत करके भैया ये सब गलती नहीं करना। 5 बार में कितना हो गया? दिस इज 4.05 मतलब जो तीनों छोटा छोटा जार था ना, तीनों में एसिड का वॉल्यूम, तीनों में 4.05 गलत, जो जो छोटा छोटा जार था ना उसमें एसिड का वॉल्यूम 4.05 नहीं था, वो तीनों जार 4.05 का था, उसका हाइट था। देख फिर से हम बोल रहे हैं, अगर ये पूरा भरा है पानी, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें पानी होगा, लेकिन अगर ये इतना ही भरा है तो डब्बा का वॉल्यूम तो 1 लीटर होगा, लेकिन इसका अंदर पानी का वॉल्यूम आधा लीटर होगा। तो पूरा भरा होने से दोनों सेम होता है, जितना डब्बा का वॉल्यूम उतना पानी का वॉल्यूम, लेकिन अगर पूरा भरा नहीं होगा तो डब्बा का वॉल्यूम अलग चीज होता है और पानी का वॉल्यूम अलग चीज। कुछ समझ में आया? पक्का? अब देख यहाँ पे जो हम लोग काटा काटी खेले ना भाई, यहाँ से यहाँ तो इसमें बकलाएगा नहीं भाई, देख इसीलिए हम बोल रहे सिंप्लीफाई करने से, नहीं तो ई वाला ही को देख के ना पगला का तेरे काटा काटी करेगा, ऐसा गंदा डेटा लाएगा ना कि आंसर ही नहीं लाएगा। कितना सिंपल आराम से यहाँ से पॉइंट डाले, 0 दिए, पॉइंट डाले, 2 to 20 को उड़ा दिए, 14 14 को 21 से काटे, 41 से 41 उड़ा दिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखा लाइन चेंज कर ली, समझा? नहीं तो तू लोग इधर ही पे काट कूट करते रहता, तो उससे गलती का होता है ना, एक दो डेटा मिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भर जाता है ना डेटा, तो डेटा का होगा मिस हो जाता है। बोलो क्लियर है? चलो छापो, पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखे है ना,
पीछे वाला का फोटो भेज दें, घर में निकलेगा, इसको लिख ले पूरा।